किए थे कि हम सरकार में आएंगे और हम 10 लाख नौकरी देंगे, और आपने देखा कि जैसे वो सरकार में आए, नीतीश जी के साथ सरकार में आए, भले वो डिप्टी सीएम बने, सीएम ना बने, लेकिन उन्होंने बिहार के युवा को बड़े संख्या में कई। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज शनिवार को परिवर्तन घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। तो वहीं इसमें कहा गया है कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा सालाना, तो वहीं देश भर में 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, जिसको लेकर जहाँ एक ओर एनडीए हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में खुशी का लहर है। आपको बता दें कि इस कड़ी में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर इसे घोषणा करार देते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरे देश में अभी तक 35 लाख लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा घोषणा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है तो वो पूरा भी करेंगे। इसी के साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया विजय चौधरी के बयान को लेकर कि विजय चौधरी ने कहा है कि 20 करोड़ रोजगार देने का घोषणा क्यों नहीं कर दिया, इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए मुकेश सैनी और कहते हुए नजर आए कि हम जितने रोजगार दे सकते हैं उतने ही हमने घोषणा की है। इसी के साथ साथ एनडीए पर हमलावर होते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे मुकेश सहनी, पहले आपको वो सुने। आज परिवर्तन पत्र जारी हुआ है, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव का है। निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 में भी उन्होंने बिहार के जनता से वादा किए थे कि हम सरकार में आएंगे और हम 10 लाख नौकरी देंगे, और आपने देखा कि जैसे वो सरकार में आए, नीतीश जी के साथ सरकार में आए, भले वो डिप्टी सीएम बने, सीएम ना बने, लेकिन उन्होंने बिहार के युवा को बड़े संख्या में कई लाख, 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी दिए हैं। अगर उन्होंने कुछ अगर विजन बनाया है, प्लान बनाया है, तो निश्चित तौर पर वो पूरा करेंगे, और हमारी पार्टी को भी समर्थन तेजस्वी जी के साथ है कि जो जितनी भी घोषणा है उस पर निश्चित तौर पर मेरे समर्थन है, क्योंकि हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, तो जो हमारी जो एजेंडा है उस पर हमारे गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। आरजेडी का अगर कोई एजेंडा तो उस पर हमारे गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो नेशनल पार्टी है ही, वो एक बड़े रोड मैप के साथ चल ही रहे, तो निश्चित तौर पे एक दूसरे को सहयोग मिलेगा। हाँ निश्चित, तो पूरा देश बहुत बड़ा है ना, देश बहुत बड़ा है, देश के लिए इतना नौकरी छोटा है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि पिछले 10 सालों में 35 लाख से अधिक हमारे जो कर्मचारी थे वो रिटायर हुए, और बड़े संख्या में जगह खाली है, और जब रिटायर हुए तो ऑटोमेटिक उतना उनको नौकरी सरकार को देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। सिर्फ अभी तक जो हमें जानकारी है 9 लाख के अंदर में सरकार ने नौकरी दिया है, तो एक बड़ा वैकेंसी जगह ही खाली है, तो जगह भी खाली किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे जो मोदी जी खास करके प्राइवेट किया गया है, वो प्राइवेट संस्था को सरकारी में कन्वर्ट करना होगा, चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, और जैसे वो करेंगे तो ऐसे उसमें से नौकरी निकलेगा, और तो मुझे लगता है 1 करोड़ नौकरी निश्चित तौर पे दिया जाए। भाजपा ने आपको ठग ऑफ मलाह बताया है, कहा अपने समाज को आप ठगते हैं, उन्हें टिकट नहीं देते। अभी विपक्ष में सत्ता पक्ष वो है, हम विपक्ष में है, भाजपा से यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक मल्लाह के बेटा को वो दिन रात गाली दे। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो हमें गाली दे रहा है। ये बिहार के जनता, हमारे लोगों को पता है कि कौन हमारे साथ ठगा है, हमारे समाज के साथ ठगा है। कई बार उन्होंने घोषणा किया निषाद आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण नहीं दिया, ये बात हमारे समाज को पता कि कौन किसको ठग रहा है। फिलहाल ये बात नहीं है, रहा कि वो गाली दे, हम लोग एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और सारा चीज़ है। रहा टिकट की बात है, तो टिकट चुनाव जीतने के लिए दिया जाएगा, जो समीकरण बनेगा जहाँ पे बनेगा वहाँ पे जो योग्य होगा उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमें हर हाल में हर सीट को चुनाव जीतना है, और जहाँ पे जो सुटेबल कैंडिडेट होगा उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। विजय चौधरी हैं सर, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 20 करोड़ क्यों नहीं बोले? अभी उनको पता है कि 1 करोड़ ही दे सकते हैं, इसलिए 1 करोड़ बोले हैं। आप में तो वो भी क्षमता नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है, आपका भी लगता है कि देश का, तो अभी आप सत्ता में थे, आप बताइए कि आपने कितना नौकरी दिया राज्य में या केंद्र में। रहा कि अगर हम विजन बना रहे हैं तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। आप तो बताइए कि आपने बोला था 20 करोड़ नौकरी देंगे 10 साल में, आपने नहीं दिया, अभी हम 1 करोड़ दे सकते हैं, हमने इसलिए 1 करोड़ बोल रहे हैं। राज चौधरी कह रहे हैं सरकार का रोड मैप तैयार किया गया है, लेकिन विपक्ष से यही उम्मीद कर सकते हैं, जमीन कितना वो
विपक्ष से यही उम्मीद किया जा सकता है, सत्ता पक्ष से, वो विपक्ष को साथ दे और आईना के तरह देखे और जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम करे। तेजस्वी यादव के समर्थन में क्या कुछ कहते हुए नजर आए वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बड़ी घोषणा की गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है, क्रेडिट देते हुए नजर आए तेजस्वी यादव को सैनी। वही उन्होंने केंद्र सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा और कह दिया कि जो केंद्र की सरकार है ये रोजगार के नाम पर जुमलेबाजी करना जानती है। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सैनी, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।